गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर सेफ एट होम। ओके, तो आज हम करेंगे माय टास्क बुक का पेज नंबर 38 एंड 39। ओके स्टूडेंट, सो ओपन यू आर माय टास्क बुक। तो सबसे पहले यहाँ हम डेट लिखेंगे 5/8/2021, देन CW। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? पुट द करेक्ट साइन। किसके साइन है ये, कौन बताएगा? लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये क्या है? उनके साइन बने हुए हैं इन द बॉक्स, हमको इन बॉक्सों में लिखना है। हमने इसके पहले भी आप लोगों को ये करवाया है ना, नेक्स्ट पेज में हमने कर चुके हैं। लेकिन अब कैसे नंबर है, अब हमारे पास डबल डिजिट वाले नंबर हैं। पहले कैसे नंबर थे, वन डिजिट वाले नंबर थे, तो हमको आसानी से बन गया है ना। अब डबल डबल डिजिट वाले नंबर हैं, तो हमें इसे ध्यान से समझना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में 23 दिया हुआ है और यहाँ पर 13 दिया हुआ है ना। तो अब हम कैसे पता करें कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि हमको यहाँ भी 3 दिख रहा है और यहाँ भी 3 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो अब इसको हम कैसे पता करें? तो ये हम प्लेस वैल्यू से हम पता कर सकते हैं, है ना, कि ये अपना जो 3 है वो किस प्लेस में है, ये वंस वाले प्लेस में है, और ये 2 जो है वो टेंस वाले प्लेस में है, और 1 भी टेंस वाले प्लेस में है। तो 3 और 3 जो वंस प्लेस में वो तो इक्वल है ना। तो यहाँ से देखिए 2 और 1, तो 2 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। तो जो कौन सी नंबर बड़ा है, यहाँ पर 23 बड़ा है 13 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, किस कौन सा साइन आएगा, यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन, यहाँ पर आएगा हमारा ग्रेटर देन का साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो क्रोकोडाइल है उसका माउथ किस तरफ है, बड़ी संख्या की ओर है, और पूंछ कहाँ से निकली हुई है, जो छोटी संख्या है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर देखेंगे 26 एंड 27। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 और 2 टेंस प्लेस में इक्वल डिजिट है, ठीक है, और 6 और 7 ये, और 1 प्लेस में 6 है और 7 है, तो बड़ा क्या है, 7, ठीक है। तो 27 26 से बड़ा है, तो इसमें साइन किसका जाएगा, लेस देन का जाएगा। लेकिन लेस देन का साइन लगेगा, लेकिन माउथ किस तरफ ओपन है इसका, क्रोकोडाइल का, बड़ी संख्या की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है 32 एंड 34। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी टेंस वाले प्लेस में 3 दिया हुआ है, अब वंस वाले प्लेस में 4 है और 2 है, तो बड़ा क्या होता है, 2 नहीं, क्या होता है, 4 बड़ा होता है ना। तो 32 से बड़ा क्या है, 34। तो यहाँ पर भी जो साइन जाएगा वो लेस देन का जाएगा, ठीक है, लेकिन माउथ किस तरफ ओपन है, बड़ी संख्या की ओर है। फिर यहाँ पर 38 एंड 50, इसमें तो बहुत कंपेयर अपने आप दिख रहा है कि 50 जो है सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर भी किसका साइन जाएगा, लेस देन का जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या की ओर क्रोकोडाइल का माउथ ओपन है। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 45 एंड 45, यहाँ पर भी 4, 5 दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में भी 4, 5 दिया हुआ है ना। तो दोनों संख्या कैसे, दोनों डिजिट कैसे हैं, बराबर है, इधर भी 45 है और यहाँ भी 45 है। तो अब किसका साइन लगाएं हम, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब दोनों जगह पर बराबर संख्या होती है तो वहाँ इक्वल आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 26 है और यहाँ पर 29 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो ये अपने आप में पता चल रहा है कि 49 26 से बड़ा है। तो यहाँ पर 49 की तरफ इसका माउंट ओपन होगा, लेकिन ये इस दिन का साइन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है 45 एंड 48। अब इसमें कंपेयर कीजिए, यहाँ पर टेंस में तो 4 है, 5 और 8 किस प्लेस में दिया है, वंस प्लेस में है, तो यहाँ पर
फाइव से बड़ा क्या है? एट। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 48। तो यहाँ पर 48 में इस तरह से साइन लगाया जाएगा। कौन सा साइन है? ये लेस देन का है, लेकिन ध्यान रखना है कि जिस तरफ संख्या बड़ी होती है उस तरफ का माउथ बड़ा रहता है, उसका ओपन मतलब खुला हुआ माउथ रहता है, ठीक है, चाहे वो लेस देन की हो चाहे वो ग्रेटर देन में हो, लेकिन जिस तरफ संख्या बड़ी होगी उसी तरफ उसका माउथ ओपन होगा। और एक इक्वल टू का साइन कैसे जाएगा? कि जिस तरफ दोनों संख्याएं बराबर होती हैं तो वहां पर इक्वल टू का साइन जाता है। इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को? तो होमवर्क है कि आप लोग इसका नेक्स्ट पेज नंबर 39 इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।